एक मई से 18 से लेकर 45 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति टीकाकरण करवा सकता है। लुधियाना प्रशासन ने कहा कि इसके लिए तैयारियां मुकम्मल है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नोडल अधिकारी पुनीत जुनेजा ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस तरीके से जी है कोविड वैक्सीन के लिए 18 तो प्लस कोई भी उम्र का व्यक्ति लगवा सकता है। किदां दे प्रबंध किए गए ने ते की जी रिस्ट्रिक्शन लागू रहेंगी ते किस तरह दी जिहड़ियां प्रबंध किए गए ने। सर ये मैं चीज़ क्लीयर करनी चाहता हाँ भी जी 45 साल तो उपर की जी वैक्सीन की कवरेज का प्रोग्राम जो चल रहा है वो एज इट इज़ चलता रहेगा। 18 तो 45 साल वास्ते जो सानू गाइडलाइनज रिसीव हुई ने स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी वैक्सीन प्रोवाइड करनी उस एज ग्रुप वास्ते, तो वो वैक्सीन जी है वह हले जी साढ़े को सप्लाई हैगी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के क्राइटेरिया के हिसाब न हैगी और ही उस वैक्सीनेशन 45 साल तो प्लस जारी रहेगी। 18 तो 45 वास्ते हले साढ़े को स्टेट गवर्नमेंट तो कोई गाइडलाइन या वैक्सीन हले प्राप्त नहीं हुई है तो इस करके उन्होंने वास्ते हले असी प्रोग्राम कैंप उन होल्ड रखे हुए हैं। जिदा सानू गाइडलाइनज मिलती ने या वैक्सीन मिलती है अभी 18 तो 45 का भी वैक्सीन का कैंपेन टेकअप कर रहे हैं। मतलब हजे एक तरीके तो स्टार्टिंग वास्ते कोई तैयारी नहीं की। मेरे वालों तैयारी है सर, वैक्सीन स्टेट गवर्नमेंट वालों आनी है, जब आएगी तो उस वे असी 48 घंटे के बीच इंप्लीमेंट करवा दें। रेगुलर सप्लाई मिल रही है, पर जी भारत सरकार की हदायत आई हैं उस क्या गया है भी जी 18 तो 45 साल की वैक्सीनेशन का ड्राइव चलना है वो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने लेवल से करना है, तो जी सू सप्लाई आ रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले की आ रही है, वो जो हेल्थ केयर वर्कर है या फ्रंटलाइन वर्कर है या जो 45 साल तो उपर है उन्होंने वास्ते ही चलती रहेगी। सर हुण तक कोई जी है किसी व्यक्ति से या कोई वैक्सीनेशन के बाद किस तरह की प्रॉब्लम भी जी है करना सामने आई? नहीं हाले तक तो कुछ खास नहीं है, थोड़ा बहुत बुखार वगैरह होंगे एक दो दिन बाद ठीक हो जाता है। एज इट इज़ प्रैक्टिकली वैक्सीन सेफ है, हुण तक तकरीबन असीं सब 5,10,000 तो वध लोगों को लुधियाने जिले में वैक्सीनेट कर चुके हैं तो कोई सिग्निफिकेंट सीरीयस साइड इफेक्ट कोई दिखा नहीं है। अपील यही है जी 45 साल तो उपर जो हाई रिस्क ग्रुप है प्रायोरिटी ग्रुप है वो अपनी वैक्सीनेशन करा, उस ग्रुप कैटेगरी के विच भी मेरे को हाले एस्टिमेटेड है भी मेरे को तकरीबन 30% लोग हाले रेंदे है वो वैक्सीनेशन कवरेज लैन वास्ते। जो किसी कोई मन कोई डर शंका है तो बिल्कुल बेसलैस है, वह कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है भी टीकाकरण ना लवा। यह चीज़ देखने सामने आई भी जिन्हों का टीकाकरण लग्या होया जो उन्होंने कोविड की इन्फेक्शन हो भी जाती है तो अपन सीरीयस बीमारी तो बचा है, जिसे यह हों मरीज में ऑक्सीजन की या वेंटीलेटर की सुविधा की लोड़ नहीं पैंती हैगी। सो वैक्सीनेशन का यह बहुत बड़ा अपन फायदा देखने मिल रहा भी जिन्होंने लगवाई है वो घट्टो घट सीरीयस बीमारी तो जरूर बचे हुए हैं। मतलब सर कहने का यही है भी जो लोग जो टीकाकरण करवा रहे हैं उन्होंने ऑक्सीजन बैड की जरूरत नहीं पैंती, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पैंती, मतलब ठीक रहते हैं काफ़ी। देखो जी परसेंटेज पॉजिटिविटी है वो बहुत ही घट है, जिन्होंने टीका लगाया अब्बल तो उन्होंने इन्फेक्शन कैच नहीं होंगी, जे कैच होंगी है तो उन्होंने सीरियस इलनेस नहीं होंगी, आप ही घर 3-4 दिनों के ठीक हो जाते हैं। देश दुनिया दी ताज़ा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब की आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म के उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत।